साइक्लोट्रॉन। 1930 में लॉरेंस और लिविंगस्टन ने सजेस्ट किया कि अल्टरनेटिंग वे और भी हैं पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए आप चार्ज पार्टिकल को मजबूर करें कि वो स्पाइरल पाथ, सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, जिससे उसका रेडियस भी इंक्रीज हो और वो पार्टिकल एक्सेलरेट भी होता जाए। एक बीम चार्ज पार्टिकल्स की, जिनको डिवाइस की मदद से 100 बार घुमाया जाता है और हर चक्कर में पार्टिकल 2 बार एनर्जी इंक्रीमेंट लेता है, उसकी एनर्जी में 2 बार इजाफा होता है और ये इजाफा होता जाता है जब तक उस पार्टिकल की एनर्जी रिक्वायर्ड या डिजायरेबल वैल्यू तक ना पहुंच जाए। इस तरह के एक्सेलरेटर को शुरू में मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर्स कहा गया, जिसका नाम बाद में तब्दील होकर साइक्लोट्रॉन बन गया। प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन का सादा सा प्रिंसिपल ये है कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाया जाए हाई एनर्जी तक और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, जिसमें आप पार्टिकल्स को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घुमाते हैं, जबकि आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होती है। कंस्ट्रक्शन। एक साइक्लोट्रॉन मुश्तमिल होता है 2 डी शेप हॉलो सेमी सर्कुलर चैम्बर्स D1, D2 और इनको हम डीज कहते हैं। इन डीज को कनेक्ट किया गया है विद अ अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। अरेंजमेंट कुछ इस तरह की गई है कि एक डी पर पॉजिटिव पोटेंशियल जबकि दूसरी डी पर नेगेटिव पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल विद अ हाफ साइकिल अल्टर होता रहता है, चेंज होता है। एक आयन सोर्स जो कि सेंटर में रखा गया है, जो एक प्रोटॉन सोर्स भी हो सकता है, ड्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, और इसको सेंटर में बिटवीन द गैप्स ऑफ दीज टू डीज रखा जाता है। इस तमाम सेटअप को हाईली इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर इनक्लोज किया गया है। एक मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलरली अप्लाई किया जाता है डीज के ऊपर। वर्किंग। सपोज के आयन सोर्स की मदद से आप सेंटर में इन 2 डीज के दरमियान, जो कि D1, D2 हैं, आप एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब किसी भी लम्हे हम लेट करते हैं कि D1 पर नेगेटिव जबकि D2 पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया ड्यू टू दिस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। अब पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द D1 और इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा, और जैसे ये D1 में इंटर करेगा, इस पर मजीद कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल सिलेंडर 0 होगी। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और सर्कल में घूमता रहेगा। सो अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज D1 से एमिट आउट होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स अगेन अल्टर कर देता है D2 को
नेगेटिव और डी वन को पॉजिटिव, जिसकी वजह से अगेन पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वो डी टू में इंटर हो जाएगा। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चार्ज की एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता जाएगा, यहाँ तक कि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो यहाँ से एमिट आउट हो जाएगा और टारगेट को जाके हिट करेगा। अल्टरनेटिंग सोर्स की मदद से डीस पर चार्ज को चेंज किया जाता है। पोटेंशियल आप चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव को आप नेगेटिव में चेंज करते जाएंगे, जबकि चार्ज एक्सलरेट होता जाएगा बिटवीन दिस गैप जो कि डीस के दरमियान में है, और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और इसकी एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, हाई एनर्जी पे जाके ये फिर टारगेट से हिट करेगा। सो आप देख सकते हैं कि रेड ग्रीन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज करते जा रहे हैं, रेडियस भी बढ़ता जा रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है। सो इस तरह आप पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं, एक डिज़ायरेबल एनर्जी तक आप इसको ले जा सकते हैं। साइक्लोट्रॉन को अब हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं। सो हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव आयन है जिसको आप एक्सेलरेट करवाने जा रहे हैं बिटवीन द टू डीज, और ये टू डीज डी वन डी टू की पोलैरिटी चेंज होती है और आयन एक्सेलरेट होता है, और हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली जो हमने अप्लाई की हुई है डीज पर, जिसकी वजह से चार्ज सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करता है और रेडियस आर में घूमना शुरू हो जाता है। अब किसी भी लम्हे मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करती है सेंटीपिटल फोर्स को, और इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करते हुए हम रेडियस आर में इक्वेशन को लिख लेते हैं। इस रेडियस आर की इक्वेशन हमें ये बताती है कि रेडियस ऑफ द पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जितना रेडियस ज़्यादा उतनी वेलोसिटी भी ज़्यादा, क्योंकि इस इक्वेशन में एम भी कांस्टेंट है जो कि बेस है, चेंज नहीं होगा, चार्ज भी कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। सो बिटवीन द गैप्स ऑफ डीज आप इंक्रीज करते हैं पार्टिकल की एनर्जी को, जिसके नतीजे में रेडियस भी इंक्रीज होगा, और रेडियस के इंक्रीज होते ही वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर्ड बाय आयन सोर्स। सो इसी ही इक्वेशन से हम वेलोसिटी वी के लिए इक्वेट करते हैं और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम मैक्सिमम फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी के लिए इक्वेट करने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम के लिए रेडियस कैपिटल आर के बराबर और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और इक्वेशन ये फॉर्म ले लेगी। एनर्जी निकालने के लिए हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इस फार्मूले में वी स्केयर की जगह हम इन वेरिएबल्स को रिप्लेस करते हैं और इक्वेशन को इक्वेट करके लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में अगेन क्यू कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैस भी कांस्टेंट। सो हमें इक्वेशन ये बताती है कि जितना रेडियस ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा। सो
जितनी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड हो आपको उतने ही रेडियस की डीज बनानी पड़ेंगी और उतने ही एनर्जी का पार्टिकल आपको टारगेट पे मिलेगा। रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन हमें ये बताती है कि जो टाइम पार्टिकल लेगा एक सेमी सर्कल पाथ में मूव करने के लिए, उतना ही टाइम d1 d2 d's को पोलैरिटी चेंज करने में उतना ही टाइम कंज्यूम करना होगा। अगर ये कंडीशन होगी तो ही पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा बिटवीन द गैप्स। सो पार्टिकल को ऑसिलेट करना पड़ेगा उसी ही फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है। सो टाइम टेकन एक सेमी सर्कल में उसको आप इक्वेशन फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। आप जानते हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्स रिलेशनशिप पे हैं, तो इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ f फ्रीक्वेंसी है ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की, जिसको आपने डीज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब किसी भी लम्हे पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v वो मूव करता है एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r में, और डिस्टेंस वो तय करेगा समी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r में, और उस डिस्टेंस को हम लिखेंगे पाए r। अगेन इक्वेशन आपने एलिमेंट्री क्लासेस में इस इक्वेशन को पढ़ा हुआ है, एस बराबर है वी टी। तो किसी भी समी सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होगा वो पाए आर के बराबर होगा। अगेन वी वेलोसिटी और टी टाइम, आर हम इक्वेट कर चुके हैं, उसको हम यहाँ रिप्लेस कर लेंगे, और टाइम को यहाँ से हम ये वैल्यू इधर रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि रेजोनेंस हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं कंडीशन, तो पार्टिकल और ऑसिलेटर दोनों को आपस में हमने इक्वेट करके इस तरह लिख लेना है। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हमें रिलेशनशिप के बारे में बता रही है ऑफ आर रेजोनेंस कंडीशन। लिमिटेशन, सो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वेलोसिटी पार्टिकल की इंक्रीज करेगी, और ये वेलोसिटी अप्रोच करेगी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के मुताबिक आप वेलोसिटी बढ़ाते जाएं तो मास इंक्रीज करेगा। सो जैसे मास इंक्रीज करेगा तो इक्वेशन जो हमने कुछ देर पहले फॉर्म की थी, बनाई थी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर वो फिक्स है, जबकि ऑसिलेटिंग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी अब चेंज हो जाएगी ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। सो ये डिक्रीज होने लगेगी जैसे ही मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी और मास रिवर्स रिलेशनशिप में है। तो जब पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो ये लैग बिहाइंड पीछे रह जाएगी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, जिसके नतीजे में बाज दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि ये आउट ऑफ फेज हो जाए। सो पार्टिकल फर्दर एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। रेजोनेंस जो कि मेंटेन थी बिटवीन द पार्टिकल एंड ऑसिलेटर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एडवांटेजेस, साइक्लोट्रॉन स्मॉल इन साइज है एज कंपेयर टू लीनियर एक्सेलरेटर्स। आपको इसमें हाई वोल्टेज जैसे कि
वेंडीग्राफ एक्सीलेटर की केस में रिक्वायर्ड नहीं होते। साइक्लोट्रॉन टन्स ऑफ माइक्रो एम्पियर करंट डिलीवर करता है टारगेट पर।